साहस सरोकार। शिक्षक दिवस पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने दी बधाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया याद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता से घट रही है भारत की जनसंख्या। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, याचिका कार्यकर्ताओं को कोर्ट ने लगाई थी फटकार। देश में 24 घंटे में आए कोरोना के 5,910 मामले, 60,000 से कम हुए एक्टिव केस। पाकिस्तान ने भारत को हरा कर लिया बदला, रिजवान के सामने विराट की पारी फीकी पड़ी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मऊ में बाहुबली मुख्तार पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने आगलरी पेशी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ना होने की बात कही है। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में तलब करने को लेकर MP MLA कोर्ट ने निर्देश जारी कर लिए। राजधानी लखनऊ में लेवाना होटल में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के जगहों में अफरा तफरी मची हुई है। जानकारी के मुताबिक होटल के अंदर कई लोग फंसे हुए हैं, जिनको खिड़कियों का कांच तोड़कर बाहर निकाला जा रहा है। इसके साथ अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। शाहजहांपुर में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर जनपद सीतापुर के लहरपुर में सपा विधायक अनिल वर्मा नगर निगम महापौर के चुनाव की तैयारी के लिए पहुंचे। बिजलीपुरा स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर उनका समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खा के नेतृत्व में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधानसभा से पूर्व सपा प्रत्याशी राकेश वर्मा और पूर्व सपा प्रत्याशी उपेंद्र पाल सिंह मौजूद रहे। प्रभारी आए हैं माननीय विधायक अनिल वर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर। सबसे बड़ा, सबसे पहला पॉइंट है समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान जो चलाया जा रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, उसको हमको बूथ स्तर पर, प्रत्येक बूथ पर सक्रिय सदस्य बनाना है और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। उसके साथ साथ स्थानीय निकाय के चुनाव करीब हैं नगर निगम के, जो शाहजहांपुर में नगर निगम के हमारे प्रभारी भी बनाए गए हैं मेयर के चुनाव के लिए और पार्षद संबंधी चुनाव के लिए। शाहजहांपुर आने का मतलब नगर पालिका चुनाव और सदस्य अभियान, जिसको तेजी पकड़ाना है। सदस्य अभियान सबसे प्रथम काम हमारा है, जिसको हम लोग चाहते हैं पूरी तरीके से सदस्य अभियान चालू हो जाए। ये अभियान जब तक हर बूथ पर हमारा सक्रिय मेंबर नहीं बन जाएगा, तब तक चलेगा। मथुरा में थाना फरा पुलिस ने 970 अवैध शराब की पेटियों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक ट्रक को चेकिंग के दौरान मधुबन टोल से पकड़ा गया है। पकड़ा गया शख्स उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में अवैध शराब का व्यापार करता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब के तस्करों के अभियान में आज थाना फरा और आबकारी की संयुक्त टीम ने महुवन टोल प्लाजा पे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसका नाम अवलेश कुमार है, जो पुरावली मैनपुरी का रहने वाला है। ये एक अंतर्राज्यीय तस्कर है। इसके कब्जे से एक ट्रक जिसमें छुपा कर रखी गई 970 पेटी शराब, जिसकी बाजार में कीमत करीब 54 लाख रुपए है, गिरफ्तार किया गया है और इससे बरामद किया गया है।
अभियुक्त अवलेश के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ के दहली थाना गेट इलाके में शहजमाल एडीए कॉलोनी में पुलिस ने चोरी के वाहनों को जाने को लेकर एमपी सिटी और सीओ के नेतृत्व में कावड़ियों की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान दुकानों में भारी तादाद में ट्रक, कार, मोटरसाइकिल और अन्य वाहनों के इंजन और अन्य पार्ट्स बरामद किए गए। कावड़ी का यहाँ पे काम चल रहा था, जिसपे पुलिस के द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड सर्च यहाँ पे चलाई गई। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अगर संदिग्ध ऑटो पार्ट या किसी प्रकार का कोई संदिग्ध काम हो रहा हो, उसकी जांच के लिए यहाँ पर सर्च कंडक्ट कराया गया है, जिसमें विभिन्न गोदाम जो यहाँ पे जहाँ पे गाड़ी कटना है, इस प्रकार के काम होते हैं, उनके पेपर और उनके जो भी पार्ट्स वहाँ पे हैं उनकी जांच कराई जा रही है कि उनके जो भी वाहन जो इनके यहाँ पे कट रहे हैं क्या वो वैलिड है, लीगल है या इलीगल है। इसके संबंध में सभी इंजन और ये जो भी पार्ट्स हैं उनके नंबर इत्यादि नोट करके उनकी जांच कराई। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।